वेलकम बैक टू द ट्यूब ब्लॉग। ये नहीं है कि यार कल का ब्लॉग पोस्ट होके नहीं दे रहा है, तो मैं ये बिजली वो नेटवर्क का जो वो होता है पोल उसके बराबर में खड़ा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, और अभी तक 45-50 हुआ है बस ओनली। खैर अभी ये नहीं है कि आज हम उठे हैं 12 बजे सुकून से सबसे लेट, और अभी हमें जाना है बासू वैली मैं पूछ के कन्फर्म करता हूँ, बासू वैली जाना है हमें उसके लिए कैंपिंग के लिए। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। अभी ये लोग सब नाश्ता कर रहे थे, मुझसे नाश्ता होता नहीं है, तो मैं ये सब चीज़ें खाना है यहाँ पर चीज़ शॉप पे। तो अब यहाँ से कुछ लेते हैं, स्लेंटी पकड़ लेते हैं यहाँ से। भाई हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया है, ये इसका इस जगह का ताहिर भाई बता रहे हैं व्यू बहुत अच्छा है। हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया इस जगह का और देखते हैं क्या है, क्या व्यू है यहाँ का। ताहिर भाई ये है ना कोल्ड डेजर्ट, ये कटपन्ना डेजर्ट है। इस तरह के वीआईपी भाई भाई वापस हमारी ये सवारी चेंज हो गई है, और ये वाली जीप है, और अभी हम जा रहे हैं यार भाई कौन सी जगह थी, मैं बार बार उसका नाम भूल रहा हूँ यार। हम लोग जा रहे हैं अब भाशु वैली, और हम वहाँ कैंपिंग करेंगे आज इंशाल्लाह, और देखते हैं क्या कितनी सर्दी है क्या सिनेरियोज हैं। हम लोगों ने मतलब सर्दी का पूरा वो सेटअप करा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह फुल कैंपिंग में रहेंगे, और वहाँ पर जो है ब्लैंकेट्स वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, खाना मैं खुद बनाऊंगा इंशाल्लाह, वाइट कढ़ाई और ब्राउन कढ़ाई इंशाल्लाह मजा की देखें। चले भाई यार भाई आज वापस खाना खुद बनाएंगे क्योंकि आज है कैंपिंग सीन, और ये गाड़ी है भाई आज हमारी जिसमें हमें जाना है, और हमारी ये वाली कोस्टर जो है वो यहीं खड़ी रहेगी शंगरीला होटल के बाहर। हाँ भाई कंडक्टर भाई रास्ता खराब भाई हम पहुंच गए बासु वैली, और ये बहुत खतरनाक जीप ट्रक करके अभी और ऊपर जाना है, बर्फ देखने जाना है, ये बर्फ देखे यार। नहीं भाई हम तो यहाँ नहीं जा सकते, बहुत सर्दी है भाई, नीचे उतरे और अचानक से बहुत ज़्यादा सर्दी लगी है, मैं तो सो गया था गाड़ी में जीप ट्रैक में, सर में भी दर्द हो गया। चले अब थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। वेलकम टू बासु, आ गए भाई बासु। अब ये कैंप है, ये कैंप्स के सेटअप है, वो रहे कैंप के सेटअप। थैंक यू अहमद भाई। अभी क्या असली आ गया नकली है, नकली है नकली है, लेकिन ऐसा लग रहा है असली है। खैर मान ले कोली मकाल से इस टाइप के भाई कैंप पे वहाँ पे नहीं बन सकता था। हाँ तेरे लिए लगाएंगे ना वो,
भाई असलान भी कैसा मजा आ रहा है इधर? बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पर सिग्नल नहीं है। सिग्नल नहीं है, सिग्नल नहीं होते ना दुनिया से बिल्कुल फारिग होते। हाँ, ये एक सबसे अच्छी चीज़ दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि फोन में लग जाते हैं। सही बात है, तो वो मोबाइल मतलब एक चीज को एंजॉय नहीं कर पाते। और यहाँ की वाइब कैसी है असलान भाई? बहुत अच्छी है, सुबह 5 बजे उठ के यहाँ की वाइब दिखाएंगे, फिर आप देखिएगा। हाँ, यहाँ की वाइब ही अलग है यार। आप यहाँ बैठे हो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, मजा ही अलग है। आओ खाने की पोजीशन देखते हैं, वहाँ खाना बन रहा है। यहाँ सर्दी बहुत है भाई, हट दिखा रहा हूँ। पहले ये खाना वाला दिखा दूँ, हट के लिए तो अपने आप पूरी रात। यहाँ पर तकरीबन 5 सेंटीग्रेड तो चल रहा होगा तकरीबन, फिर भी हम सुबह देखेंगे और बताएंगे आपको क्या चल रहा है। ओहो भाई, यहाँ तो फुल खाना चल रहा है। कढ़ाई कढ़ाई करेगा ये अस्सलाम वालेकुम। कहाँ तक पहुँचा खाना? ग्राम कढ़ाई बना रहे हैं और बन गई, ऑलमोस्ट बन गई। थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, ये मैं देखे जाऊंगा कढ़ाई मसाला। अच्छा भाई, ये खाना वाना बन रहा है और सारे लगे हुए खाना बनाने के लिए। शेफ उसामा, शेफ यावर इन कढ़ाई। भाई ये ताहिर भाई, आपको पता है इतने सारे लोग यहाँ पर बैठ के खाना क्यों बना रहे हैं? यहाँ सिग्नल नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, असल मसला ही है। वरना ये बंदा यहाँ पर होता नहीं, सही है। इबाद फिर हो जाता और सब होते, सिर्फ ये नहीं होता। एक चीज आज आपको माननी पड़ेगी, ठीक है, कुछ देश के अगर मोबाइल नहीं था तो जिंदगी में बहुत सकून। और लोगों के अंदर आपस में एक मोहब्बत थी, चाह थी, अपनाइयत थी, एक दूसरे के पास बैठते थे, गपशप करते थे। पूरी रात क्या करेंगे, आपस में बातें करेंगे। लेकिन लेकिन ताहिर भाई, इस जगह की जो वाइब है ना, वो है असल वाइब। इस जगह की जो वाइब है, बाहर बैठ के आप पानी के पास बैठे हुए थे हम लोग, और हम यही बातें कर रहे थे कि यार वाइब है, वाइब है। नदी किनारे यार, ताहिर भाई आप बता रहे थे नदी किनारे बहुत जिन आ जाते हैं। अबे भाई तू क्या बता रहे, लोगों का पेट खराब हो जाएगा अंदर। अब मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आई है, तो आप लोगों को ये जगह भी विजिट करा देता हूँ। ये याक है जो कि नकली है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि असली है। हाँ ये नकली है, लेकिन लगता फुल असली है भाई। या तो ये असली है या तो ये नकली है, समझ नहीं आ रहा इसका। वो तो बोलना असली है, लेकिन मुझे मैं मजाक ही समझ रहा था। खैर जो भी है, हमें क्या, आपको अब हमते ये टेंट्स विजिट कराता हूँ मैं। ये जो कि आज का हमारा रूम और होटल है। ओए भाई ये सेटअप है। अली भाई क्या जैकेटें वैकेटें पहन रहे हैं आप? खैर ये है एक टेंट जिसमें 6 लोग आएंगे, बहुत काफ़ी बड़े टेंट हैं ये, आपको शायद वीडियो में छोटे लग रहे हो। और ये दूसरे टेंट जिसमें 5 लोग आएंगे, 5-6 लोग ऐसा कुछ सीन है। तो भाई ये है, और ये सिटिंग एरिया है पूरा। अभी यहाँ पर बारिश हुई थी तब मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं बड़ा सुस्त हुआ था। क्योंकि ये जो रास्ता है ना यार यहाँ पर ऊपर आने का, अगर आप प्राडो पे आओ, कोई प्राडो के किसी मॉडल पे आओ तो सही है, नए वाले मॉडल पे। पुराने मॉडल पे जो जिस पे हम आए, वो तो एक जीप थी, लेकिन वो उसने बैंड बजा दी कमर की हमारी। पूरी कढ़ाई ना मैंने बनाई है अकेले, और इन लोगों ने मुझे, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, खैर मुझे भी आती है, मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन इनके साथ। ये वाली भी तैयार हो गई, खाना बन गया हमारा, खाना इज रेडी। वेल लुकिंग सो VIP भाई, आप कंटिन्यू करो। और ये VIP हो गया, थैंक यू बात खाने के लिए आज के। और ये छोड़ सलीम भाई, सेटअप करने का मुझे लग रहा है बहुत 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 ज्यादा VIP सेटअप होने वाला है। ये मसाला दिखाओ भाई, ये उसामा भाई ने स्पेशल मसाला बनाया। इस मसाले का नाम क्या है? उसामा स्पेशल अपर कचूरा मसाला। अपर कचूरा मसाला, लेकिन अभी तो हम कहाँ हैं? ये आप लिखोगे कि नाम बाशु मसाला। बाशु मसाला, वही बोल रहा हूँ, बाशु मसाला भाई को दे रहा हूँ। इनका रेस्टोरेंट चले, मेरा सीक्रेट मसाला है। हाँ कुछ नहीं बता रहा, चुप करो तुम। भाई काट दूंगा गला, ये लेके चले हम। लड़ गए भाई, लड़ गए लड़ गए। मैं क्या चीज लेके जाऊंगा भाई? ये फटा हो गया। और सी काम करो, और सी चल यार, शेफ होता है यार।
Approximately 10 hours later. भाई खाना आ गया और बस यार भाई अब निकालने शुरू करें और फिर हम टेस्ट के रिव्यू देते हैं जल्दी से। बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार भाई। खैर मैं चुपचाप कुछ खा के आया हूँ, नदी किनारे बैठ के खाना खा रहे हैं। दलिया के अंदर रखी हुई है, दलिया के अंदर निकालेंगे, गोल्डन ठंडी करने रखी है। सही जा रहे हैं ये भी। हो गया आज भी आप जाओ ठीक है, रेशिया वाली साइड पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बाढ़ नहीं लगी, आपको पता ही नहीं चलेगा बॉर्डर कौन सा है ठीक है। इसी तरह ये जो फतेहपुर पीर क्लंजर और खोईरट्टा वाला एरिया है, ये जो अभी ये पकड़ा गया था ना आपका अभिनंदन को, भाई सीन ये यहाँ पर हो गई है सुबह भी थोड़ी सी तबीयत, रात में नहीं अभी सुबह उठते के साथ थोड़ी सर में दर्द हो रहा था, तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने ब्लॉग ज़्यादा नहीं बनाया। और नाश्ता वाश्ता कर लिए, टाइम हो रहा है 9 बजे का, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी सीन होता है वहाँ के जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई प्लान तो कुछ ऐसा हुआ है कि हम यहाँ से निकल के जाएंगे इंशाल्लाह राकाबोशी पॉइंट, क्योंकि कल हमें जाना है नलतर वैली और वहाँ पर भी हमारी कैंपिंग है। तो बस दुआ करें हम पहुँच जाए खैर कैरियर से। और ये वाला ब्लॉग मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ, तो इस ब्लॉग को यहाँ लगाते फुल स्टॉप। तो इसलिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सब सो जाए और आराम करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है, जहाँ नेट ना हो वहाँ ये एडिट करके पोस्ट करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इस मेहनत के लिए थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सो जाओ।